सही साहब मोमिन है आप? हाँ जी मुसलमान तो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं शायद आप? हाँ मैं फर्स्ट टाइम। ये बताइए आप अहले हदीस से? मैं अहले हदीस तो नहीं बोलता खुद को, मैं सिर्फ मुसलमान मानता हूँ कि मैं फिरका परस्ती में नहीं मानता, सुन्नी शिया ऐसा, बट है हूँ तो मैं मुसलमान कुरान हदीस पे चलने वाला। भाई आप कितने पढ़े लिखे हैं ग्रेजुएशन जी? किया है, फिर ग्रेजुएशन किया है, हाँ फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, तो यस आपका दिमाग लॉजिकल होगा ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। एक बात कहना जो चाहूंगा मैं बोलिए कि लॉजिकल बातें तो हैं, बट जहाँ दीन आता है वहाँ बातें इलॉजिकल भी लग सकती है दुनियावी तरीके से। ओके, फिर भी आप बहुत सारी मानोगे? बातें, एक नहीं बहुत सारी बातें। नहीं इस्लाम में है, जैसे जैसे चांद जो मोहसम का जो मिराकल है, चांद की आपको जो इलॉजिकल क्यों रहना है लेकिन सईम साहब? बोले दे साहिल साहब बोलना। अच्छा कुछ चांद बोल चांद रहे हो, बोले ओके चांद सॉरी। चांद चांद हाँ चांद चांद अच्छा ये चांद। दूसरे भाई कौन है जो चांद पे एकदम उतावले हो गए? नहीं, मैं आपसे, आप प्लीज बोले सर प्लीज मैं क्या बोल रहा था कि जी। जैसे चांद के जो टुकड़े के तो जो मिराकल था मोहसम का, तो वो भी बहुत सारे लोगों को, नॉन मुस्लिम्स को, मैं यहाँ पे दोस्त हैं सबको, लोग इलॉजिकल लग सकता है अच्छा सर, मिराकल। अब आप इसका मतलब चांद के मिरेकल को मानते हैं आप, राइट? हाँ मैं मानता हूँ। ओके, ये वही चांद था जो आसमान पे था, जमीन के किसी चांद की बात तो नहीं हो रही? नहीं जो आसमान में है, राइट? या बेहतरीन। ओके, क्या आप जानते हैं और ये मानते हैं कि आसमान के ऊपर सिर्फ एक ही चांद है, दो नहीं है, तीन नहीं है, पांच नहीं है? अर्थ का तो एक है, जैसे बाकी अर्थ का एक है, प्लैनेट्स बेहतरीन। अर्थ की बात जुपिटर कर के रहा हूँ बहुत सर, सारे। हाँ अर्थ अर्थ की की बात कर रहा हूँ। आप जुपिटर में नहीं रहते ना, और जो मोहम्मद नहीं, साहब ने चांद जो टुकड़े किए थे वो अर्थ का ही किया था, जुपिटर का नहीं किया था, करेक्ट? एज पर इस्लाम यस अर्थ का ही था। यस अर्थ का किया था, बेहतरीन। अब मुझे बताएं, जब चांद के दो टुकड़े हुए, तो जब वो सऊदी अरब में बैठ के मोहम्मद ने चांद के दो टुकड़े किए, तो क्या वही चांद इजिप्ट में, सीरिया में, लेबनान में, ईरान में, इराक में, उस टाइम पे वही चांद इन सब इलाकों में, रोमन के इलाकों में, इन बेबलोनियन इराक, इन सब जगहों पे वो सेम चांद नजर आ रहा था सबको, करेक्ट? अभी डे एंड नाइट है, जहाँ रात है और जी चांद जी जहाँ मैं दिखता है। इसीलिए सही इसीलिए मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का नाम नहीं लिया, मैंने बात है, सही आपको बात अमेरिका का है, नाम नहीं लिया, नहीं सही मैंने बात है उस आपकी। इलाके के इर्द गिर्द के लोगों का नाम हाँ लिया सही जिनको है, वो चांद नजर आ सकता है, वही चांद करेक्ट? दिखे, सही है। बेहतरीन। और आपको पता है कि उस वक्त रोमन एम्पायर के लोग, रोमन जो थे वो मून गॉड को मानते थे, बेबलोनियंस मून गॉड को मानते थे, ईरानी जोरास्ट्रियन है, और चांद को देखना और उसकी चीजों को लिखना उनके लिए एक बेसिक चीज है, बेबलोनियंस का बेसिक खुदा ही मून गॉड है। और आप मुझे कह रहे हैं कि हिस्ट्री में इन तमाम लोगों में से किसी ने भी नहीं लिखा कि हमारा खुदा मून गॉड दो टुकड़े हुआ और वापस जुड़ा इस टाइम के ऊपर, देखो ये हमारे खुदा ने क्या किया, किसी ने नहीं लिखा। या अगर आप ईरानियों की बात करते हैं, ज़ोरास्ट्रियंस हैं, वो तो एस्ट्रोलॉजी में इतने अरूज पे हैं कि ओल्ड हिस्ट्री के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर उनसे ऊपर दुनिया में किसी ने नहीं लिखा, एंड दे नेवर रोट एनीथिंग अबाउट मून स्प्लिटिंग। क्यों? ठीक है, नहीं लिखा तो उससे कुछ प्रूफ तो नहीं होता। इससे यही प्रूफ होता है कि कहानी है, सिंपल सी बात है, वरना क्या है? हिस्ट्री लिखी जा रही है, सारी दुनिया लिख रही है, एक और मिनट क्या इतना बोला बड़ा आपने? इवेंट सुने हुआ। सर सुने सर कहानी सुने, है, कहानी लॉजिक लॉजिक कहानी को साइड पे नहीं, रखिए आप इस कह वक्त। सकते कहानी, हम तो यहाँ पे नहीं, बहस करने के एक लिए सेकंड भाई, प्रूफ। हाँ भाई बोलिए। लॉजिक की बात कर नहीं रहा मैं इस वक्त, इलॉजिकल हाँ भी रह के मुझे सुनो। मैं कहता हूँ जी हाँ, एक बंदा चांद के दो टुकड़े कर सकता है, साइंस गई भाड़ में, हमें नहीं परवाह, कोई मसला नहीं है, आपने लॉजिक लॉजिक पे नहीं हम जाएंगे इस वक्त। सही है, ठीक एक है। मिरेकल है, राइट? दो टुकड़े हो जाएंगे, जमीन की ग्रेविटेशनल पुल खराब हो जाएगी, समुद्रों में तोयानी आ जाएगी और समुद्र जमीन पे आ जाएंगे, लेकिन नहीं, हम उनमें से किसी चीज को नहीं देखेंगे, किसी चीज को, लेकिन सिर्फ हमने कोई एविडेंस तो पकड़ना है कि हाँ ऐसा हुआ। तो किसी ना किसी और इतनी बड़ी कौम, क्योंकि मोहम्मद ने जब ये किया था उस वक्त अभी हिजरत भी नहीं हुई थी, 40 से कम उसके फॉलोवर थे, राइट? उस वक्त ये कर रहा है, ठीक है? और मुझे ये बता, आप मुझे बता रहे हैं कि उस वक्त दुनिया के जो इर्द गिर्द के सारे एम्पायर्स थे जो कि एस्ट्रोलॉजी में अरूज रखते हैं, और मोहम्मद और इस्लाम एस्ट्रोलॉजी में अरूज तो क्या जवाल भी नहीं रखते, वो नहीं लिख रहे, कोई नहीं लिख रहा, तो भाई ये मौजा कैसा है जो किसी ने देखा ही नहीं? ठीक है, नहीं लिखा होगा तो उससे कुछ प्रूफ नहीं होता कि नहीं हुआ है, आप समझ हैं रहे इस और किससे प्रूव होगा कि हैं? नहीं हुआ? आपका नाम चलो क्या है वैसे? फिर प्रूव एक कैसे मिनट एक होएगा मिनट एक मिनट, कि आपका नाम क्या है? हजरत आदम अलैहि सलातो वसलाम? आपका नाम हजरत आदम असलम। जी हजरत आदम अलैहि सलातो वसलाम, आप मुसलमान हैं? मैं मुसलमान सर, जिस तरह हजरत आदम मुसलमान थे उसी तरह मैं मुसलमान हूँ। नहीं समझा, क्योंकि आदम असलम तो नमाज तो नहीं पढ़ते थे। सर इसी तरह मैं कह रहा हूँ, जिस तरह हजरत आदम अलैहि सलातो वसलाम मुसलमान थे उसी तरह का मैं मुसलमान हूँ।
अच्छा, तो आप नमाज नहीं पढ़ते बट आप खुद को मुसलमान कहते हैं? आप वो बात की बात है, अभी अभी मुझे ये बताइए। नहीं नहीं बात की बात नहीं है, बात ये प्रूव कैसे तो होगा? बात होने दो, क्योंकि आप नमाज नहीं पढ़ते बट आप मुसलमान कहते हैं आपको, अरे भाई मैं एक्स मुस्लिम जबकि हूँ जबकि हदीस में एक्स मुस्लिम, अच्छा कि हदीस और सही मैं हदीस में आपको है यही कि बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हाँ हदीस में लिख दिया गया है बट इट डज नॉट प्रूव, क्योंकि किसी ने देखा नहीं। अगर मिरेकल लोकलाइज्ड होना, नहीं आप मिरेकल मतलब को छोड़ ही दीजिए, वो नहीं, नहीं लिखा क्यों तो नहीं छोड़ू, लिखा है। आप क्यों छोड़ू, आपने खुद की लिखा बात ना करें कि सर, आप एक सेकेंड, मुसलमान है कि एक्स मुस्लिम है, आप खुद को मुसलमान मैं कहते खुद हैं की तो बात आप नमाज नहीं करूंगा, पढ़ते। लेकिन पहले ये टॉपिक खत्म हो जाए फिर मैं खुद की बात करूंगा। डोंट वरी, पहले लेट्स फिनिश दिस टॉपिक, फिर आप मुझसे सवाल करते इसको रहना, मैं ये आपके सारे टॉपिक जवाब कहीं नहीं दूंगा। जा रहा है सर, आदम हजरत आदम असलम ये कहीं नहीं जा रहा टॉपिक। सर मैं पहले जो टॉपिक में शुरू करता हूँ मैं उसे फिनिश कुछ करता हूँ फिर आपको आगे चलता हूँ। समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्यारे भाई, थोड़ा सा सबर हौसला रखो ना, आप पहली बार आए हैं, सुन तो लो, हो सकता कुछ अकल में आ जाए, मैंने आपके मैंने समझ सुन आ जाए। देखो आपकी बात मैंने सुन ली कि आपने कहा कि किसने लिखा नहीं, ना ही तो पर्शियन ने फिर ना ही एविड रोमन से ने। फिर ये कैसे, फिर ये मिरेकल कैसे होगा? मिरेकल वो होता है जो लोग देखें, या एटलीस्ट उस इलाके के बट लोग देखा है देखें। ना हदीस में है, लोगों ने देखा है, बयान किया यार है वो मुसलमानों ने हदीस लिखी ना, तो। देखो मैं फाते अच्छा हूं, अच्छा ये देखो पॉइंट आ सुनो गया आपका, मुसलमान सुनो लिखी जरा इसलिए सुनो, इसलिए इस चीज को साथ सुनो, देने के लिए लिखा है। इस चीज को सुनो, इस चीज को सुनो, जो फाते है उसने लिख दिया। कुरान तो कहता है 9 जगह के ऊपर, आपने कुरान अगर पढ़ा हुआ है, यहूदियों ने भी मोहम्मद को कहा हमें कोई मिरेकल दिखा जैसे मूसा ने मिरेकल दिखाया। मोहम्मद के अल्लाह ने कहा नहीं, तू सिर्फ एक वार्नर है, तू सिर्फ एक वार्नर है, अच्छा बाद में हदीसों में लिख दिया। मेरी बात और सुनो, आप अभी सुनते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं, मैंने ये देखा, आप क्योंकि आप पॉइंट बना को ले। आपका पॉइंट प्रूव मतलब आप पॉइंट पे नहीं आ रहे ना बात। अब जैसे आपने कहा कि पर्शियन रोमन ने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, वजह हो सकती है मुसलमान के खिलाफ हो, जैसे आज की क्या दाद की मतलब बात। उन्होंने ये अबे तो नहीं उनको लिखना था क्या जो मालूम मोहम्मद ने किया? रहेगा वो अरे जब बट उनकी जब जब मोहम्मद ये मिरेकल कर रहा है हाँ उस वक्त तो किसी को पता नहीं है कि मोहम्मद कौन है, उसके 40 फॉलोवर नहीं है, ठीक है, तो वो अपनी हिस्ट्री में लिखेंगे कि हमने मून को स्प्लिट होते हुए देखा है। फिर जब मोहम्मदंस 15 साल के बाद आप मुझे ये बताएं, आप इस मुझे ये वाकये के, बताएं सुने सुने क्या सुने ये सुने हो सुने सकता है सुने कि उन्होंने देखा। सुने सर, पहले मैं स्टेटमेंट सुने। फिर जब मोहम्मद को मानने वाले उस इस वाकये के 20 साल बाद, 30 साल बाद, 35 साल बाद उस इलाके में हमला करें, ठीक है, फिर उसको हदीस दिखाएं, ये देखो जो तुमने मून देखा था ना स्प्लिट होता हुआ, वो मोहम्मद ने किया था, ये तुम्हारी किताबों में लिखा है, तुम्हारी हिस्ट्री में लिखा है, ये जो स्प्लिट हुआ था मून, ये मोहम्मद ने किया था, मानो। वो कहेंगे हाँ ठीक है भाई, देखा ही किसी ने नहीं, तो फिर ये मिरेकल कैसा है? ठीक है आपकी बात सुन ली मैंने, आप ठीक है आपकी बात सुन ली मैंने, ठीक है ये टॉपिक हो गया। फिर ये मिरेकल कैसा है, पहले इसका जवाब दें। अब देखो मिरेकल, मिरेकल का मतलब क्या है कि ये एक अजूबा है नो, लाइक अजूबा जो लोग देख सकें हाँ लोग देखते हैं बट लोगों को और जो भरोसा नहीं होता, मानते नहीं हो है वो सकता देखें, है, हो सकता है जो लोगों को मानते भरोसा नहीं है भी वो ना देखें, हो। क्या बोल रहे हैं? जो इस बंदे को नहीं मानते वो भी देखें, राइट, जो प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं मानते हैं, सलासम को नहीं वो मानते, भी देख सकें, वो भी देख सके? हाँ देख राइट। सकते हैं, आप जैसे नहीं मूसा देखा ना किसी अलैहिस्सलाम, ने भाई, जैसे किसी मूसा, ने नहीं अच्छा देखा, किसने अच्छा लिखा है? अब मेरा एक सवाल है, क्या ये हो सकता है कि मिराकल हुआ सामने और मैंने नहीं माना, कि मानना भाई पड़ेगा? वो जिसने नहीं माना उसकी बात हम बाद में करेंगे, नहीं कर कि वो लेंगे, पॉइंट है, पॉइंट की बात पहले है, मुझे बताएं कि जैसे मूसा देखा किसने, अलैहिस्सलाम, किसने मूसा अलैहिस्सलाम ने लिखा? जब जब वो जादूगर जो थे उनके सामने अपनी स्टाफ फेंकी, उनके सांपों को खा लिया हजरत हजरत हजरत। हजरत, तो वो लोग भी अपने जादू से सांप ही बना रहे थे ना, दोनों का हाँ तो मिरेकल मेरी एक ही अरे जैसा मेरी था। मेरा सवाल तो सुनो, मैंने, मुझे सवाल सुना हुआ है, लेकिन वो भी अपने अपनी क्या स्टिच को सवाल है? सांप मेरा ही बना सवाल रहे ही थे, नहीं, आपने ठीक सवाल आप है। बोल रहे हैं। मेरा सवाल है कि जब पहले उन्होंने मुझे डाला चांद के ऊपर बात करनी है, चांद का मिरेकल किसी ने क्यों नहीं देखा वो बताओ मुझे, फिर कहीं और चलना, अच्छा क्यों आपको नहीं देखा किसी मतलब ने? आप मुझे बताओ कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अरे अरे ये यार क्या मैं, सवाल है यार, नमाज क्यों नहीं पढ़ते, ये क्यों नहीं पढ़ते, क्या तो यार, आप मुसलमान क्यों कह रहे हैं खुद को? कहाँ बोला मुसलमान, यार इसमें बोला ना मैं हजरत बिल्कुल आदम आदम की तरह, अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह मुसलमान हूँ। क्यों? क्योंकि आदम भी कभी मुसलमान नहीं था और मैं भी अब मुसलमान नहीं हूँ, राइट, आदम सलाम मुसलमान नहीं थे? नहीं था, कैसे था वो बाद में आप देखेंगे, बताएं कैसे नहीं थे वो मुसलमान, क्या मैं बाद पूछ में रहे हो? बताऊंगा कैसे नहीं थे, मैं अरे बाद में बताऊंगा। पहले मुझे चांद, तुम जितनी मर्जी मोड़ लो यार मेरे साथ गेम में, मैं मैं मोड़ ले रहा चांद के हूं, मिरेकल से आगे चलूंगा ही नहीं जब तक ये फाइनलाइज नहीं होगा, नहीं मैं नहीं ये चलूंगा। ठीक है। मुझे बताओ कि चांद का मिरेकल इन तमाम एरियाज ने क्यों नहीं लिखा, किसी भी हिस्टोरियन ने क्यों नहीं देखा, व्हाट वो इज आप द पूछ रीजन, लीजिए उनको क्यों नहीं लिखा, क्यों, अब क्या मैं मतलब थोड़ी वो अपना हिस्ट्री लिख दिमाग रहे हैं, फोड़ूंगा वो उसमें। अपनी सारी हिस्ट्री लिख रहे हैं, वो चांद और सितारों के तमाम गिर्दोचमेश, उनका घूमना, ये वो सब कुछ लिख रहे हैं बिकॉज दे आर एस्ट्रोलॉजिस्ट। वो चांद के दो टुकड़े होते हुए क्यों नहीं लिख रहे, ये समझाएं, इसका मतलब ये हुआ ही नहीं, व्हाट इज द एविडेंस के हुआ है वो बताएं। तो अगर चलो ठीक है, मैं तो 100% मानता हूँ कि ये हुआ था,
चलो अगर कहता हूँ किस बुनियाद पे, चलो अगर अगर व्हाट इज द एविडेंस, चलो अगर कह भी दूं कि नहीं नहीं व्हाट इज द एविडेंस, क्या व्हाट इज द एविडेंस, चलो अगर कह भी दिया कि नहीं हुआ है तो क्या प्रूव होता है, प्रूफ क्या होता है आप बताएं भाई, वो बात की बात है, पहले ये बताएं एविडेंस क्या है इसको मानने का। चलो आप नहीं मानते ठीक है, मैं कुछ आपको फोर्स नहीं कर रहा बिल्कुल, वो तो आपकी आप भाई मैं कब कह रहा हूँ आप मेरी बात मानो, मैं कह रहा हूँ इसका एविडेंस क्या है कि हुआ। ठीक है अगर एविडेंस नहीं भी है तो इससे प्रूफ क्या होता है, आपका पॉइंट क्या है, मैं जानना चाहता हूं। इससे प्रूव ये होता है कि इस्लाम सारा का सारा झूठा है, इसका मतलब है जितनी भी कहानियां झूठी हैं, देखो बाकी कहानियों को हम वेरीफाई नहीं कर सकते, सुन लो मेरा सवाल सुन लो, मुद्दा सुन लो फिर जवाब देना, बाकी कहानियां वेरीफाइएबल नहीं है, क्यों, क्योंकि हम उस इलाके में नहीं थे, हमें इस्लाम की हदीसों और कुरान के मुताबिक ही चलना है, देखना है कि क्या लिखा हुआ है और क्या कह रही है ये, क्यों उस इलाके के लोग हिस्ट्री नहीं लिख रहे, बदवन किस्म के लोग थे, ओके परफेक्ट, हम इस्लाम के मुताबिक देख रहे हैं इस्लाम को, ये वाहिद चीज है जो के इर्द गिर्द के लोगों ने लिख सकते थे अगर वो देखते, अगर ऐसा हुआ होता, उन्होंने नहीं किया, अगर जो वाहिद चीज द वन एंड ओनली चीज जो के नॉन मुस्लिम्स इर्द गिर्द की कंट्रीज के वेरीफाई और वैलिडेट कर सकते थे, उन्होंने नहीं वेरीफाई, और उस वक्त उन्हें पता भी नहीं मोहम्मद कौन है, वो ये नहीं लिखेंगे मोहम्मद ने किया, मोहम्मद कौन है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, आप कुरान मानते हैं, कुरान अल्लाह की तरफ से, चले सर मान ले कुरान अल्लाह की तरफ से, कुरान में लिखा मोहम्मद ने किया, कुरान तो बल्कि इसके बड़े खराब जाता है, कुरान सूरह कमर कहती है के और कमर शक हो चुका है और क्यामत नजदीक है, अब क्यामत तो 1500 साल से नहीं आई, ये क्यामत नजदीक कैसे है, और अगर शक हो चुका है तो जुड़ा तो नहीं है, क्योंकि कुरान की आयत कहती है कयामत तो कयामत नजदीक है, पहला साइन पहली बात ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद, पहला साइन ये है कि चांद शक हो चुका है, अब मुझे उस आयत से ये बताओ कि शक होके वापस जुड़ा, अब मुझे समझावत करो कि ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन के बारे में कहा जा रहा है और जेर जबर पेशें बाद में लगाई गई हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं जेर जबर पेशें बाद में लगाई गई हैं, तो ये फ्यूचर के बारे में कहा जा रहा है या पास्ट के बारे में, और ये मोहम्मद का मिरेकल है या क्यामत की निशानी है कि क्यामत से पहले चांद के दो टुकड़े हो जाएंगे, क्यामत की घड़ी करीब आ चुकी है और चांद शक हो गया, अच्छा ये पास्ट टेंस में लिखा जा रहा है क्यों, जेर जबर पेश की वजह से जो 250 साल के बाद हो गया स्प्लिट हो गया, मैं कह रहा हूं जेर जबर पेश जिसकी वजह से पास्ट टेंस बन रहा है वो मोहम्मद के मरने के 250 साल के बाद डाली गई है, क्या एक मिनट सूरा 250 साल बाद डाली गई आप बोल रहे हैं, सूरा नहीं रे भाई, जबर जेर पेश ये जो मार्क्स लग रहे ना ऊपर जिसके वजह से तुम पढ़ पाते हो, और भी पढ़ने आती है इसकी वजह से तुम पास्ट और फ्यूचर टेंस बनाते हो, ओके ठीक है, पहले ये लग रही है 500-250 साल के बाद, राइट, अब मुझे बताओ ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन भी तो हो सकती है, कौन सी सूरा, सूरा कमर जी भाई 54 एक मिनट, सूरा वर्स नंबर 1 द आर हैज बीन ड्रॉन नियर एंड द मून वाज स्प्लिट इन टू, इसकी डिस्क्रिप्शन में है द मक्कन पेगन्स चैलेंज द प्रॉफिट टू हैव द मून स्प्लिट इन टू इफ ही वांटेड देम टू बिलीव इन हिम, उन्होंने चैलेंज किया बेसिकली, तो द मून वाज स्प्लिट एंड देन रीजॉइंड एज रिपोर्टेड बाय सेवरल आई विटनेसेस but still the pagans refused to believe calling this miracle इसे, sheer magic, इसे explanation कहते हैं, इसे footnote कहते हैं by the way, number one, number two, मेरा सवाल यही है, उस वक्त भी pagans ने मना कर दिया था, मान छोड़ रहा, जैसे आप मना कर रहे हैं तो इसे इस्लाम गलत है भाई, दिखाओ ना किसने देखा, किसने, आप देखना नहीं चाहते कि आपको दिख नहीं रहा है, हैं भाई, दुआ करता हूँ आपको अल्लाह हिदायत, अरे आप दुआ ना करें, आपने बददुआ करनी है, आप दिन में 17 बार हमारे लिए बददुआ करते हैं, नहीं नहीं मैं तो बददुआ नहीं, 17 बार भले ही आपका, 17 बार आप दुआ बददुआ करते हैं, जब आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं 5 वक्त की नमाज में, 5 वक्त की नमाज में सिर्फ फर्ज पढ़े तो 17 बार हमें गालियां निकालते हैं, आप कर्ज करते हैं, समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हैं, आप कलाम शरीफ पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं, आपने कभी उसका मीनिंग देखा है, हाँ आप अरम शरीफ क्या बोल रहे थे, सूरह फातिहा बोलते हैं उसको, ओके उसमें सिरात الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, क्या मतलब है, द पाथ ऑफ दोज यू हैव ब्लेस्ड, गाइड अस अलोंग टू द स्ट्रेट पाथ, द पाथ ऑफ दोज यू हैव ब्लेस्ड नॉट दोज यू आर डिसप्लीज्ड विद एंड दोज डिसप्लीज्ड विद, कौन सी स्टूपिड ट्रांसलेशन पढ़ते हो यार, कर से उनके ऊपर दालीन है, दालीन है, अच्छा क्या हो गया यार, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, आपका ट्रांसलेशन बताइए, क्या मेरा कोई ट्रांसलेशन नहीं है, नॉट द वंस जिन पे तूने अपना कहर किया है, अज़ाब किया है, हाँ तो इसमें जिन पे तेरा अजाब हुआ है, और जो अजाब हुआ है वो कौन है, कौन है, कभी आप पढ़े अजाब वाले को लोग कौन है, कौन है, जो सही रास्ते से हट गए, इस्लाम को नहीं मानते, हाँ सही बात है, इसमें गलत क्या है, जो चाहे जूज और क्रिश्चियन भी नहीं है, जूज और क्रिश्चियन भी है, बिल्कुल जो सही रास्ते एक ही है, 17 बार आप हमें अल्लाह का कर्ज कर रहे हैं, 17 बार दिहाड़ी में, अच्छा मुझे बताएं, अल्लाह डज नॉट गाइड हु
does not want to be guided. अल्लाह कहता है उसे गुमराह करता है। अल्लाह कुरान में कहता है जिसे चाहता है मैं उसको मैं हदायत देता हूँ और जिसे चाहता है मैं उसको मैं गुमराह करता हूँ। गाइडेंस में जाना मर जाओगे। नहीं चाहता उसको नहीं मिलेगी गाइडेंस। नहीं चाहता कि लिखा ही नहीं हुआ। चलो ये दिखा दो जो अल्लाह उस जो नहीं चाहता उसको गाइड नहीं करता था। दिखाओ ना मुझे। अच्छा आप एक मिनट रुक जाए, मैं बताता हूँ अभी आपको। एक मिनट में रुक गया। हाँ जो नहीं चाहता, इमेजिन करो भाई लोगो, एक मिनट रुकिए ना। अल्लाह हमारी चाहत पे काम करता है, इसका मतलब है अगर मैं चाहत बोलूं तो अल्लाह वो चाहत पूरी करेगा। मैं दिन में रोज कहता हूँ अल्लाह को, अल्लाह मेरी चाहत है कि तू मुझे गाइड कर दे, अल्लाह करता ही नहीं। कुरान में इसलिए अल्लाह ने कहा मैं जिसे चाहता हूँ तो जिसे तो गुमराह करता हूँ उनको गाइड नहीं करता। जो डिसोबीडिएंट, अल्लाह तो खुद एरोगेंट है। अल्लाह तो खुद एरोगेंट है। अल्लाह तो दी एरोगेंट है। सबसे बड़ा एरोगेंट अल्लाह है, अल मुतकब्बिर, दी एरोगेंट। ये भी गलत बात है। अच्छा हम एरोगेंट है, प्रॉब्लम है। अल्लाह कहता है कि मैं दी एरोगेंट हूँ, वो प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह तो फिर हमसे भी बुरा हुआ। तमाम एरोगेंट जहन्नम में जाएंगे ना, तो फिर अल्लाह भी जहन्नम में, इसका मतलब है क्योंकि वो दी एरोगेंट है। अल्लाह ने खुद जहन्नम बनाई है, वो कैसे जहन्नम में जाएंगे? हाँ तो भाई क्यों क्यों नहीं जाएगा फिर, जब उसने कह दिया है अल्लाह का क्रिएशन है, अल्लाह का क्रिएशन। लेकिन अल्लाह ने कहा है ना कि एरोगेंस विल गो टू हेल, राइट? जो आपके और मेरे लिए बनाया गया है। नहीं, क्या अल्लाह ने कुरान में कहा है कि तमाम एरोगेंट्स विल गो टू हेल, राइट? क्या बोल रहे हेल जो है, जहन्नम जो है वो एरोगेंट्स के रहने की जगह है, ये अल्लाह ने कुरान में कहा है ना। हाँ एरोगेंट्स जहन्नम, जहन्नम में कौन होता है ये बताएं, कुरान के मुताबिक जहन्नम में कौन होता है? Disbelievers, जो arrogant है। नहीं नहीं ना 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 arrogant, arrogant। ये देखो कुरान, so enter the gates of hell to stay there forever, indeed your evil arrogance। जहन्नम में arrogance है, the place for the dwelling place for the arrogance is hell। तो फिर अल्लाह फिर इस वक्त जन्नत में तो नहीं है, वो तो खुद arrogant है, अल मुतकब्बिर है। तो अल्लाह जन्नत में नहीं हो सकता, फिर अल्लाह जहन्नम में है। अच्छा आप ये छोड़ें, आपकी बातें जो नहीं, मैं क्या छोड़ूं, आप ही खुद ही लाए हो आपका जो पॉइंट। अरे आप बता पूछ, अरे भाई आप बार बार पॉइंट बदलते रहते हैं, पहले ये बताएं ना। नहीं जो भी पॉइंट आप बोलते हैं फिर आगे क्यों भागते हैं? चेंज नहीं होना चाहता, यू नो, नहीं नहीं अल्लाह अल्लाह गाइड नहीं करता भाई। नहीं पहले मुझे ये बता रहा हूं मैं आपको। नहीं सर, पहले आपने ये मुद्दा लाया। एक मिनट देता हूं और आप नहीं, पहले ये मुद्दा लाया आप, पहले इस मुद्दे पे बात कर लेता हूं। मैंने आपको कहा एक मिनट दो। अरे मैंने कहा था एक मिनट देता हूं, तो फिर चुप करके फिर चुप। अरे भाई तो चुप करके लेना था ना, मुतकब्बिर लाए क्यों बीच में? पहले इस पे बात करें, मैं फिर आपको टाइम दूंगा सर्च करने के लिए, कोई मसला नहीं, मिल गया। मैं यहाँ बैठा इसीलिए हुआ हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए, अल्लाह कहता है जहन्नम वो जगह है जहाँ पे एरोगेंस ने रहना है। अब अल्लाह खुद एरोगेंट है तो वो जन्नत में क्या कर रहा है? उसे तो जन्नत में होना चाहिए। अल्लाह अपनी बात से झूठ है। आपको क्यों लगता है अल्लाह एरोगेंट है? कुरान कहता है। कहाँ लिखा है बताइए? कुरान चैप्टर नंबर 58 आयत नंबर 23, अल्लाह सबसे बड़ा एरोगेंट है, दी मुतकब्बिर, अल मुतकब्बिर। क्या क्या 15 क्या 59 की 23 अरबी पढ़ो जरा इसकी। He is God। अरबी पढ़ो। अरबी आपकी चैनल में लोग हैं उनको अरबी आती है क्या? अरबी पढ़ो। He is God, there is no God except Him, अरबी पढ़ो। The most holy। अरबी पढ़ो। All perfect। हु अल्लाजी, हु अल्लाजी, प्यारे भाई। अरबी पढ़ बे। अरबी पढ़ो ना। अच्छा एक मिनट। अरबी नहीं आती क्या आपको? आती है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, थोड़ा ज़ूम कर दो एडम साहब। ये अल्लाह के लिए जब तुम्हारे फॉल्स ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ पे एरोगेंट हटा देते हैं। क्यों करेंगे, क्या है, आप डिसाइड करेंगे कि उनका? ओके तो फिर अगर ओके डन डन, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। मुतकब्बिर का मतलब जो मर्जी होता है, डन। अल्लाह मुतकब्बिर है, अरबी में बात करते हैं, अल्लाह मुतकब्बिर है और अल्लाह कहता है कि मुतकब्बिरीन ने जहन्नम में जाना है, क्या करूं? मुतकब्बिर मतलब ट्रेमेंडस, द ग्रेट, द ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस लोगों ने, ट्रेमेंडस लोगों ने जहन्नम में जाना। अल्लाह कहता है, ये चैप्टर नंबर 16 की आयत नंबर 29, अल्लाह कहता है मुतकब्बिरीन प्लूरल में, सारे के सारे मुतकब्बिरीन ने जहन्नम में जाना। कौन सी वर्स है? लॉ ट्रांसलेशन एडम भाई, ये कौन सी वर्स है? अब ये वर्स है जनाब, मैंने आपको 10 दफा पहले बताई है, चैप्टर नंबर 16 की आयत नंबर 29, अल्लाह अल मुतकब्बिर है और तमाम मुतकब्बिरीन ने जहन्नम में जाना। लो फिर अल्लाह ने जहन्नम में जाना, जो मर्जी ट्रांसलेशन ले लो, जाओ अपने प्योर की ट्रांसलेशन ले लो। चेक कर रहा हूं साहिल साहब, देखे ट्रांसलेशन में कितनी गेम डालते हैं। यहाँ पे एरोगेंट है, राइट? यहाँ पे एरोगेंट वहां भी आएगा तो फंस जाएंगे ना फिर। और वहां पे एरोगेंट नहीं लिखते, अल्लाह एरोगेंट है, दी एरोगेंट, वहां पे ट्रांसलेशन में अल्लाह के लिए ना। नहीं नहीं नहीं, एरोगेंट नहीं लिखना। अरबी में एक ही लफ्ज है, अंग्रेजी में दो ट्रांसलेशन है। क्या चालाकी है यार, अंग्रेजी अरबी में एक ही लफ्ज है, अंग्रेजी में दो ट्रांसलेशन है।
अरबी लैंग्वेज ही ऐसी है ना जिसकी मीनिंग, हाँ हाँ लैंग्वेज ही ऐसी है, वो लैंग्वेज तुम लोगों को पागल बनाने के लिए बनाई हुई है, ऐसी है नहीं ऐसी वर्ड है। वैसे हमारा रब है ब्रो, रब है हमारा, तो एरोगेंट हाँ रब है, रब एरोगेंट है तुम्हारा, पता मुझे मर्सीफुल है मालूम है, ओ मर्सीफुल है सिर्फ इंसानों के लिए है ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, सबके लिए क्यों, मुसलमानों के लिए सिर्फ, अगर वो सबके लिए है तो फिर काफिरों को जन्नत में क्यों डालता साला। अब वापस बैक टू द पॉइंट, सही आपका सवाल सही है, सही नहीं सही सवाल आपका, सही सवाल है हाँ क्यों नहीं सही, बिल्कुल सही है, क्यों जा डालते जानने में, तो फिर मर्सी कहाँ है। हाँ तो कुरान में ये भी कहा है कि अल्लाह डज नॉट किसी को बुरा नहीं करता, यू नो हमको बुरा करे अच्छा करे, मर्सी का मतलब होता है अदल नहीं कर सकता अल्लाह, अल्लाह मर्सी, देखो अल्लाह मर्सी, मर्सी जो होती है वो अदल की ऑपोजिट होती है। हिटलर जो है वो जन्नत में जाना चाहिए, हिटलर हिटलर को, हिटलर को भाड़ में डालो अभी, सवाल होती है मेरा सवाल, मैं बताता हूँ उसका जवाब, पहले इसी को समझने की कोशिश करना चाहिए कि जहन्नम में जाना। अरे भाई समझने की कोशिश करो, हिटलर मर्सी जो, जवाब दीजिए ना आप, जवाब से पलट क्यों रहे हैं, अगर अदल करोगे जवाब दे रहा हूँ, सब्र करो, अगर अदल करोगे तो हिटलर को जहन्नम में होना चाहिए, यस अदल करोगे तो, नंबर वन, नंबर टू अदल मतलब इंसाफ, अदल मतलब अदल यार, जस्ट अल्लाह अपने आप का, अल्लाह का नाम है एक आदिल, इंसाफ करने वाला, राइट बिल्कुल ओके, अगर अदल करोगे तो हिटलर को जन्नत में होना चाहिए, अगर हाँ। मर्सी करोगे तो सुन ले, अगर मर्सी हाँ तो करोगे तो जन्नत में भी जा सकता है, अगर तो उसने तौबा की तो क्यों जन्नत में जाएगा, तौबा करके बिना तौबा मर्सी के लिए तौबा जरूरी नहीं है, मर्सी किसे कहते हैं, रहम है, अल्लाह कितनी बार कहता है, सुनो बिना तौबा की आप मर गए तो खत्म, अरे सबर करना तो फिर अल्लाह आदिल भी है, तो इसका मतलब है अल्लाह आदिल है, अल्लाह गैर मुस्लिमों के लिए, सुन ले बोल कम और सुन, तुझे नहीं पता बेबी है, अल्लाह आदिल है नॉन मुस्लिमों के लिए और मर्सीफुल है मुसलमानों के लिए, क्यों, तौबा की तो सारे गुनाह माफ, मर्सी आ गई, तौबा नहीं की तो तुम्हें अदल में डाला जाएगा, क्या मैं सही कह रहा हूँ, हाँ तौबा की है तो फिर मर्सी है ना, तौबा की तौबा की तो थैंक यू, तो आपका मेरा आर्गुमेंट पूरा हो गया, मैंने कहा था अल्लाह मर्सीफुल है सिर्फ मुसलमानों के लिए, थैंक यू, प्रूव किया तुमने, सबके लिए कैसे, तौबा की तो मुसलमान हुआ, मुसलमान हुआ तो मर्सी आई, तौबा नहीं की तो अदल आया, वरना हिटलर भी जाएगा जन्नत में अगर ऐसा हो तो, हाँ अगर तौबा करे तो जन्नत में जाएगा, है बट जस्ट भी है, ऐसा नहीं कि तुमको कल कोई मार दे उसको जन्नत में डाल दे, हिटलर हिटलर ने तौबा की तो जन्नत में जा सकता है, करेक्ट, हाँ तौबा की तो मुसलमान हुआ ना, हाँ बिल्कुल, बेहतरीन, तो अल्लाह मर्सीफुल मुसलमानों के लिए है कि नॉन मुस्लिमों के लिए, अब हिटलर अगर माफी मांगता है तो वो और ये करता है तो मुसलमान हो गया ना यार भाई, अल्लाह की तरफ रुझान हो गया तो मुसलमान हो गया कि नहीं, वो भाई जलेबी कम, भाई जलेबी कम, सिंपल दोबारा वापस आते हैं बेसिक सब्जेक्ट पे, मैंने कहा था अल्लाह मर्सीफुल है मुसलमानों के लिए, आपने उसे प्रूव किया है कि जब तक तौबा नहीं की मर्सी नहीं मिलेगी, तौबा करूंगा तो मुसलमान होऊंगा, अब मुझे आपने यही प्रूव कर दिया है कि अल्लाह मर्सीफुल है मुसलमानों के लिए, नॉन मुस्लिमों के लिए नहीं, अच्छा आपका अगर वो मानना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या मर्सी अदल की ऑपोजिट होती है, नहीं नहीं होती, साबित करें कि अदल भी करो और मर्सी भी करो एक ही दफा में एक ही तरीके से, करके दिखाओ मुझे, क्या कि जस्ट भी हो और मर्सी भी करो, हाँ एक ही बंदे के साथ जस्टिस भी करना है और मर्सी भी करना है, कैसे करोगे, एक बंदे ने मैं तुम्हें मिसाल देता हूं, एक बंदे ने चाकू मार के तुम्हारे भाई का कत्ल कर दिया, इस बंदे के साथ मर्सी भी करो और अदल भी करो, कैसे करोगे, इस बंदे ने मेरे भाई को मार दिया और उसके बाद मर्सी भी करना है और जस्टिस भी करना है, जी नॉर्मली तो कोर्ट डिसाइड करती है सर, एक सेकेंड, कोर्ट अदल करता है, कोर्ट मर्सी नहीं करता, हाँ वन सेकेंड, आपने मर्सी भी करना है और अदल भी करना है, करके दिखाएं, ठीक है उसको उसको कोर्ट जस्टिस देगा कि वो अदल करेगा, कोर्ट जस्टिस देगा वो अदल करेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ आप सीधा चिल्लाना चालू आते हैं यार, नहीं कोर्ट की बात ही नहीं हो रही क्योंकि आप जानबूझ के जलेबी बना रहे हैं, प्लीज आपने करना अच्छा, है आप ही अच्छा, लॉ है उसके साथ अदल भी करना है और मर्सी भी करना है, कैसे करोगे, ठीक है ठीक है, उस अगर उसको मार दूं तो मर्सी हो जाएगा, पूछ रहा हूं मैं, सवाल है, नहीं होगा, ये आप बताएंगे, मर्सी भी करना है और अदल भी करना है, अगर मैं मार दूंगा वापस, ठीक है उसकी अगर जान लूं मैं तो वो मर्सी नहीं होगा, अदल होगा, जस्टिस का मतलब जान, हाँ जान का, अब वो डिपेंड करता है उस आदमी पे, तो समझो उसको ये जेल भेज दिया, उसकी जान बच गई, नहीं जान बच गई लेकिन उसे जेल हो गया तो ये वो मर्सी और जस्टिस दोनों, नहीं मर्सी नहीं है, दैट इज नॉट मर्सी, जान बच दी उसकी मर्सी है, अरे ये मर्सी नहीं है, मर्सी नहीं होता, ये अदल है, क्यों, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लॉज हैं, वो कहते हैं कि अगर फर्स्ट डिग्री, सुन ले आपको लॉज का भी नहीं पता,
लॉज अदल पे। देखो आदम भाई, आदम भाई, आदम भाई नहीं, आदम भाई नहीं, आदम भाई आपको करेंगे बैक स्टेज ताकि आप थोड़ी देर चुप करके सुन सके। यहाँ पे देखें, अगर लॉ फर्स्ट डिग्री मर्डर नहीं साबित कर सकता, सेकेंड डिग्री मर्डर साबित होता है और एक का होता है और वो मजबूरी में किसी और तरीके से हो जाता है, गलती बीच में शामिल हो जाती है, तो फिर उसकी डिफरेंट सजाएं हैं अदल के मुताबिक। 20 साल कैद व मुशक्कत, 40 साल कैद व मुशक्कत या उम्र कैद। ओके, ये सजाएं हैं। अगर फर्स्ट डिग्री मर्डर अटेम्प्ट इंटेंशनल साबित होता है तो फांसी की सजा है। ये सारी सजाएं अदल के दायरे में लिखी गई हुई है, मर्सी के दायरे में नहीं लिखी गई, अदल के दायरे में लिखी गई है। मैंने आपको कहा है एक ही बंदे को मर्सी भी करना और अदल भी करना है। मर्सी अदल की ऑपोजिट होती है। अगर आप किसी बंदे को जिसने आगे भाई को मार दिया है उसको माफी दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड मर्सी। अब अदल नहीं हुआ, अब अदल नहीं हुआ क्योंकि आपने माफी दे दी, वो आजाद फिर रहा है, यह है मर्सी। जिस तरह आपने कहा हिटलर ने लाखों लोगों का कत्ल किया लेकिन अगर वो तौबा कर लेता तो अल्लाह उसे जन्नत में डाल सकता है, यह है मर्सी। मर्सी अदल का ऑपोजिट होता है। अल्लाह आदिल भी है और मर्सीफुल भी है। कैसे? अल्लाह मर्सीफुल है मुसलमानों के लिए, आदल है नॉन मुस्लिमों के लिए। दिस इज वाई द डिफरेंस ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह का डिफरेंस है जी। अब मुझे साबित कर दें अल्लाह मर्सीफुल और आदिल, हर किसी के साथ इकट्ठा कैसे होगा? करें वो तो है बिल्कुल। अब देखिए देखिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को कैसे कैसे है कैसे है। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, ये कॉन्वर्सेशन इंशाल्लाह फुल वापस कंटिन्यू करेंगे। नहीं सर, आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, मैं आपको बता दूं अल्लाह कैसे है। अल्लाह कैसे है आदिल भी, अल्लाह आदिल होने के साथ साथ सर बुरा बुरा आदिल भी है। ये देखें अल्लाह कयामत के दिन आपके मुसलमानों से खुदकुशी करने दीवाने, अल्लाह जो है वो यहूदो नसारा के, यहूदो नसारा के ऊपर मुसलमानों के गुनाह डाल देगा। ले लीजिए ना, मैं सुन लेता हूँ इंशाल्लाह, सुन लेता हूँ, बस खत्म। ओके टाटा बाय बाय सर, उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया। तो जाए सर फिर आप लीव स्टूडियो का बटन दबा दें। Okay, bye. देखिए इससे ज़्यादा प्यार से मैं भाई से बात नहीं कर सकता था। मैं कब से वेट कर रहा था कि कभी जो है वो वार्निंग आने वाली है हेडफोन की, लेकिन आई नहीं। तो इतने अच्छे से आपने बात की, मैंने कहा यार भाई को अच्छे तरीके से समझाएं शायद समझ जाएं, लेकिन सर उन्हें कसम खाई हुई है समझना है ही नहीं। प्रॉब्लम वो पहले ही बोल दिए थे ना, मैं इलॉजिकल रहूंगा करके, तो उसने पहले ही बोल दिया था स्टार्टिंग में ही। सर मैं चाह रहा था कि लॉजिक, मैं तो सिर्फ कहा है कि मुसलमान नहीं बनो, मुसलमान नहीं छोड़ो, इस्लाम नहीं छोड़ो, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग खुले, तुम थोड़ा सा देखना शुरू कर दो, बस इससे ज्यादा मैं नहीं चाह रहा। लेकिन सर साहब उन्होंने भी कसम खाई हुई थी, नहीं भाई दिमाग नहीं मैं खोलूंगा, कल लो जो करना है दिमाग नहीं मैंने खोलना, बस बात खत्म।